फैमिली कैसे आप लोग। तो आज हम लोग बहुत ही अलग टाइप की रीडिंग करने वाले फिर से, देन वर्सेस नाउ। इसका मतलब है कि जब आप अपने डीएम से मिले थे पहली बार, या आप लोग का कुछ कनेक्शन स्टार्ट हुआ था पहली बार, दैट इज मे बी 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, तो तब आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते थे। 6 महीने पहले भी मुझे गाइडेंस आ रहा है कि अगर आपके पर्सन आपसे मिले थे और आप लोग का कनेक्शन तब स्टार्ट हुआ था, तब आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते थे, वर्सेस अभी आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, रोमांटिकली क्या फील करते हैं। तो बहुत ही अलग रीडिंग रहने वाली है। इसमें मैं थोड़े से मैसेजेस भी लूँगी आपके पर्सन से डायरेक्ट, तो इसको भी हम थोड़ा सा ये देखेंगे, थोड़े से चांस भी लेंगे और देखेंगे कि आपके पर्सन देन वर्सेस नाउ क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो आपको पता चलेगा कि कितना प्रोग्रेस हुआ है आपके पर्सन के सोच में आपके लिए, और कितना सही सोचते हैं और कितना गलत सोचते हैं, ये भी आप लोगों को समझ आ जाएगा। या पहले गलत सोचते थे, अभी सही सोचते हैं, तो वो सब आपको चेंजेस नज़र आएंगे इस रीडिंग में। ऑल्सो गाइज, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो अगर आप कुछ पर्सनल रीडिंग्स, हीलिंग्स या कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लस मैं हीलिंग की बात बता दूँ कि 66 के पोर्टल के बाद मैं जो नेक्स्ट हीलिंग करने वाली हूँ वो रहने वाला इनर चाइल्ड ग्रुप हीलिंग, तो वो भी 200 पर पर्सन का रहने वाला है। जब मेरा वो तैयारी हो जाए तो मैं उसको कम्युनिटी पोस्ट पे ही डालूंगी, तो कम्युनिटी पोस्ट पे चेक रखिएगा ज़रूर। और कम्युनिटी पोस्ट से मुझे बात याद आई कि मैंने एक पोस्ट डाला कि अनरियलाइज डीएम इज़ एज गुड एज कार्मिक। तो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि इसका मतलब क्या है, हिंदी में समझाएं। तो हिंदी में समझाने के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आपके डीएम को नहीं पता कि ट्विन फ्लेम क्या होता है, या आपके डीएम रियलाइज्ड नहीं है, या आपके डीएम को कोई भी इस जर्नी के बारे में नॉलेज नहीं पता, तो वो आपके साथ ऐसे ही बिहेव करेंगे जैसे कार्मिक बिहेव करते हैं, शायद उससे वर्स भी बिहेव कर सकते हैं। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ तो मैं कहूँगी कि मेरे डीएम ने तो मैं कार्मिक से भी ज़्यादा वर्स बिहेव किया है, एज इन अगर मैं आपको बोलूँ तो सच। तो डीएम आपको ऐसे मत सोचिएगा कि डीएम है तो हाई डिवाइन मैस्कुलिन है तो हाई उसका बिहेवियर डीएम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो सिर्फ डीएम सिर्फ रियलाइज होने के बाद, जब स्टार्टिंग में कनेक्शन चालू होता है या जो भी कनेक्शन की बातें होती है, तब वो पर्सन आपको कार्मिक की तरह ही स्टार्टिंग सबका अच्छा रहता है, चाहे आप कार्मिक को पकड़ लो चाहे आप डीएम को पकड़ लो, सबकी स्टार्टिंग बिल्कुल बबल फेज में होती है, बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि डीएम और कार्मिक सेम ही आपको बिहेवियर देंगे, शायद डीएम उससे भी ज़्यादा वर्स आपको बिहेव कर सकते हैं, कार्मिक से भी ज़्यादा वर्स, ठीक है। आपको कार्मिक से भी ज़्यादा तकलीफ मिल सकती है अपने डीएम से, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ। तो ये जज मत करना कि हाय मेरा डीएम है इसने ऐसा कैसे कर दिया, वो करेगा क्योंकि वो भी 3D वाला बंदा है। जब तक उसको रियलाइजेशन नहीं आ जाती, जब तक उसको पता नहीं चल जाता कि आप उसके ट्विन फ्लेम हो और आप उसके लिए बनाए गए हो, आप 1000 बार भी कह लो वो नहीं सुनने वाले, जब तक वो अपनी इंट्यूशन की भी नहीं सुनने वाले। जब उनको एक कोई टावर मोमेंट भगवान देंगे, उनको अवेकनिंग करवाएंगे, तभी उनको समझ आएगा आपकी वैल्यू, और तभी उनको समझ आएगा कि आप उनके DF हो, और तभी वो DM बन जाएंगे उसके बाद, उससे पहले कुछ भी नहीं। तो ठीक है गाइस, तो लेट्स सी देन वर्सेस नाउ। बहुत ज़्यादा कार्ड आ रहे हैं, मतलब एज इन जब आपको सही सही जानते भी नहीं थे वो, और अब क्या सोचते हैं आपके बारे में आपके DM। तो काफी ज्यादा कार्ड इधर भी आ गए हैं, 2 कार्ड इधर से भी निकलना चाहते थे, और टॉप के 4-5 कार्ड मैं ले लेती हूँ, बिकॉज काफी ज्यादा सोचते हैं DMs, तो सोच पे ही फोकस करना चाहिए। और क्या रोमांटिकली या अभी फील करते हैं आपके पर्सन आपके बारे में, अभी पहले क्या फील करते थे सबसे पहले देखेंगे।
ये जनरल फीलिंग्स भी हो सकती है, रोमांटिक भी हो सकती है, तो एक दो कार्ड्स मैं रोमांटिक और भी ले लूंगी अभी आपके बारे में। यस, अभी ज्यादा ही फील करते हैं, ऑब्वियसली आपको ज्यादा जानते हैं, और फिर देखते हैं गाइस। भी रोमांटिकली क्या फील करते हैं, पहले क्या फील करते हैं और अभी क्या फील करते हैं। बहुत ज्यादा कार्ड्स आ रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग गाइस। अभी का हम करेंगे कल और पहले का हम करेंगे आज, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबी रीडिंग हो जाएगी। इतनी लंबी आपको पता है गाइस, मैं अभी भी रेडी नहीं हूँ करने के लिए, लेकिन यस, फर्स्ट पार्ट आप आज देख लीजिए, सेकंड पार्ट हम कल देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले सोच रहे थे आपके पर्सन आपके बारे में कि आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट हो, सन कार्ड की तरह हो, ठीक है। आप अकेले ही रहना पसंद करते हो, ये मुझे आ रहा था। आप विनर हो, ठीक है। आपको आपके हाथ में वर्ल्ड है, कहीं ना कहीं सब आपके अगेंस्ट है, ठीक है। और आप बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग पर्सन हो, भले ही आप बहुत ही नेचर के अच्छे हो, मदरली नेचर के हो, लेकिन आपकी जुबान बहुत ज़्यादा और आप एक्शन बिना सोचे समझे लेते हो, इसलिए लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते हो आप, वो आपको नर्चरिंग केयरिंग लविंग देखते थे, एक सन गार्ड की तरह देखते थे, फाइनेंशियली अबंडेंट देखते थे, आपका एटीट्यूड सिर्फ जीतने का था वो देखते थे, ठीक है। और वो आपसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी थे, आपको ऑफर भी देना चाहते थे, आपको बहुत ज़्यादा लगता था इनको कि आपको डिवाइन का पावर है, जिसके वजह से आप जो है डिवाइन का पावर लाकर लोगों को दुनिया में देते हो। ये भी फीलिंग्स थे कि आप लोगों की हीलिंग करते हो और आपको पावर डिवाइन से मिलता है, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा मतलब लविंग केयरिंग हो, लेकिन जब लोगों ने आपके अगेंस्ट बोलना चालू कर दिया और आपके अगेंस्ट मतलब बहुत गलत गलत बोला और या आपके अगेंस्ट उन्होंने जहर घोलना चालू कर दिया, तो आपके ऑफर को भी आपके पर्सन ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई नहीं नहीं नहीं, लोगों ने आपके अगेंस्ट जो भी कुछ किया, जिस जहर भरा, इसकी वजह से देखिए गाइज आपके पर्सन की आंखें बंद है, उनकी आंखें आपकी तरफ बंद हो गई और फिर आप जो भी उनको ऑफर देने लगे, दे वर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला पार्ट, जहाँ पे क्या सोचते थे और कैसी रही आपकी जर्नी आज तक। अभी फील कैसे करते हैं आपके पर्सन, तब भी आपके बारे में कैसे फील करते थे वो देखेंगे पहले। तो आपके पर्सन आपको एक चांस देना चाहते थे, एफर्ट्स लेना चाहते थे आपके कनेक्शन में, बट उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल इश्यूज थे और वो ओपन तभी भी ओपन माइंड रख रहे थे, वो आपके साथ जानना चाहते थे, आपके साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते थे, आपको जानना चाहते थे, ठीक है। वो चाहते थे कि आप लेसन सीखो अपने लाइफ में, आगे बढ़ो, ठीक है। आप बहुत सही इंसान हो, लोग आपको गलत समझते हैं, पहले स्टार्टिंग में जो है लोगों का वो नहीं सुनते थे, स्टार्टिंग में वो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, बहुत ज़्यादा मतलब वो आपको लाइक करते थे और आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहते थे, अपने साथ आपके साथ अपना फ्यूचर देखते थे। कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता था, रोमांटिकली बात करेंगे तो आप दोनों बहुत ही ज़्यादा अलग पीपल हो, तो बहुत ही ज़्यादा आपकी थिंकिंग अलग है और आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, तो आपको एडमायर करते थे दूर से, ठीक है गाइज। कहीं ना कहीं देखिए गाइज, ये भी आ रहा है कि वो आपकी तरफ देख रहे हैं, आप कहीं और देख रहे हैं, तो उनको ये भी लगता था कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। बट उनको आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन थी यहाँ पर। ये देखिए गाइज, ये सो रही है, ये इसके बाल काट रहा है बंदा, देखिए यहाँ पर, तो ये ऑब्सेशन भी बहुत ज़्यादा था। वो देखिए यहाँ पे उसके नाक में फूल शव कर रहा है उसके मुंह पे कि ले लो मेरा फूल, तो यहाँ पे भी वो शव कर रहा था है खाने की कोई चीज़, तो इसी वजह से ये पर्सन आपको देखते थे कि इनको अपना लाइकिंग और ये सब आपको ज़बरदस्ती आपके नज़रों में आना पड़ेगा,
ठीक है, और फिजिकली बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है, रोमांटिकली आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे ये पर्सन, आपको अपने पावर में देखते थे, राइट, अपनी ज़िंदगी में वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, तो वो उनको ऐसा लगता था कि जो है आपका अटेंशन लेना पड़ेगा, आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में, तो ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स थी, जनरल फीलिंग्स थी कि एफ़र्ट लेना चाहिए, बात करनी चाहिए, इसको समझना चाहिए, ये सब बहुत ज़्यादा था आपके पर्सन के लाइफ में, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं थे, पर लोगों के जो बिहेवियर था, लोगों ने जैसे आपके बारे में बात किया, तो उस वजह से ये पर्सन बदल गए, मुझे गाइडेंस मिली है। ये भी यही ख़त्म कर देते हैं, कल दूसरी रीडिंग लेंगे, तो थोड़ा रीडिंग लंबा जाता है तो जाने दो, ठीक है गाइस, तो लेट्स सी। तो अभी आपकी फीलिंग, उनकी फीलिंग ये कि आपके को वापस आके ऑफर करना है, ठीक है, बट वो बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में टावर मोमेंट्स आए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, और आपको मेडिटेट और शांति से देख रहे हैं वो, आप बहुत अपने वाइन लेके, बुक लेके आप बैठे हो, उनको ऐसा लगता है कि उनको ही सब कुछ करना है, आप बहुत फ्री हो, जो है आपको जो है कहीं ना कहीं, बट उनको लगता है आप डिफेंसिव हो गए हो, क्योंकि लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया है, वो आपको चूज़ करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, मैंने बोला ना कि पहले पार्ट में लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया था, तो अभी आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव भी हो गए हो, तो उनको ऐसा लगता है कि वो कंफ्यूज है कि आपको चूज़ करना है कि नहीं करना है, बिकॉज आपके पास आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा केयर, लव, आप ऐसे प्यार की उनको आदत भी नहीं होगी जितना प्यार आपने उनको दिया है, तो आपके साथ रिकन्सिलिएशन तो करना ही चाहते हैं। वो आपको एक बटरफ्लाई की तरह देखते हैं और खुद को एक छोटे बच्चे की तरह देखते हैं कि आप उनको अच्छे से इंस्पायर कर लेते हो, वो आपको पकड़ना चाहते हैं, लाइक बच्चा कैसे तितली को पकड़ना चाहता है वैसे, बट वो अकेले सोच रहे हैं, पहले वो बिना सोचे समझे कोई भी स्टेप नहीं लेंगे आपकी तरफ, क्योंकि उनको पता है कि आप में से बहुतों की तबीयत खराब थी, इंक्लूडिंग मी, तो ये पोर्टल का जो एनर्जीज की वजह से 12-12 दिखाई दे रहा है गाइस, ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपनी तरफ आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि उनको पता आप हीलिंग मोड में हो, बहुत सारे लोग डिवाइन फेमिनिन्स की तबीयत खराब रहती है, तो वो आपको बहुत अटके हुए फील कर रहे हैं वो, कि वो आपसे बात करेंगे तो आपको कुछ ऐसा देना चाहिए उनको कि वो सॉलिड हो और वो लंबे समय तक टिके, ठीक है। कुछ बातें हैं उनको अभी आपके बारे में पता चल रही है, बहुत ही ज़्यादा शॉक दे रही है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, यही सब सोच रहे हैं, दूर से आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा जो है लोगों की हेल्प कर रहे हो, आप देखिए आपकी तबीयत खराब है फिर भी आप लोगों को हेल्प कर रहे हो, तो वो आपको जो है यहाँ पे द क्वीन ऑफ वॉन्स की तरह देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, तो उनको लग रहा है कि स्लोली स्लोली आप अपने ट्रू नेचर में जा रहे हो, लेकिन 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 आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो लोगों की तरफ, तो आप उनके साथ कैसे बिहेव करोगे उनको कोई आइडिया नहीं है, और इनको ऐसे शॉक्स पसंद भी नहीं है कि आप वो आपके पास आए और आप उनके साथ लड़ पड़ो तो फिर वो ज़िंदगी में आपके पास नहीं आ पाएंगे, तो उनको ऐसे लग रहा है कि उनका टाइम ही गलत है, अगर उन्होंने अभी आपको अप्रोच किया आकर तो बहुत ही बड़ा गड़बड़ हो सकता है, कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकता है, तो यही आपके पर्सन की सोच है, ठीक है। तो देखते हैं और फीलिंग्स में क्या है, ट्रू लव, वर्थ वेटिंग फॉर ट्रस्ट, देखा मैंने कहा वर्थ वेटिंग फॉर, आपके पर्सन आपसे को ट्रस्ट करते हैं, आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपके साथ केमिस्ट्री फील करते हैं, आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, बट उनको ये नहीं लग रहा कि इट इज़ सेफ टू कम टू यू नाउ, अभी के अभी आपके पास आएंगे आप जो है बहुत ही ज़्यादा रूड और अग्रेसिव हो सकते हो उनके साथ, तो रेड फ्लैग्स को देखते हुए ये पर्सन आपके पास अभी नहीं आएंगे, बट यस ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा है। देखिए गाइज यहाँ पे भी ये पर्सन इस लड़की को ज़बरदस्ती ड्रिंक शव करने की कोशिश कर रहा है, मीन्स अपने फीलिंग्स आपके गले के नीचे उतारना चाह रहे हैं ज़बरदस्ती, मत देखिए यहाँ पे ज़बरदस्ती बहुत है गाइस, मैं क्या कर सकती हूँ, ये पर्सन अपने आप पीछे से आ रहे हैं और अपने आपको अपनी फीलिंग्स का बता रहे हैं, पहले भी ऐसा ही था, ये पर्सन आपको ज़बरदस्ती रोज दे रहे थे, ज़बरदस्ती आपके व्यू में आना चाहते थे, अभी भी ज़बरदस्ती वाला बहुत काम है यहाँ पे, और ये अभी भी यहाँ पे देखिए ये पर्सन जो है इस फोटो में
उस लड़की की तरफ देख रहा है जो अपनी दुनिया में गुम है। देखिए द फूल है यहाँ पे, वो एक्शन लेना चाहता है। ठीक है गाइस, तो मुझे यहाँ पे बहुत दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, पूरा लव ऑफर करना चाहता है। बट अगेन आप उनको लगता है आप अपने पावर में हो और आप इतने ज्यादा पावरफुल हो कि वो आपके चरणों पे बैठा रहेगा, फिर भी मारोगे आप उसको, फिर भी वेल ट्रीट नहीं करोगे, तो बहुत ही ज्यादा इस डर में आपके पास नहीं आना चाहता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक्शन लेने के 10 of Wands वाले एनर्जी में है वो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। अगर आप सोच रहे हो मैं क्या करूँ, मैं कार्ड सीधे करूँ, सारे कार्ड्स उल्टे आए हैं और मैं उल्टी रीडिंग्स करती नहीं हूँ, रिवर्सल में नहीं ले रही हूँ, गाइज आपको पता है, तो यही वाला प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक एक कार्ड सीधा करके मुझे रीड करना पड़ रहा है। तो 8 of Swords है, माइंड में स्टक फील कर रहे हैं वो, कि भाई वो आए या ना आए, दूर से देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी एनर्जी दोनों कार्ड्स में है कि बाहर खिड़की से बाहर से देख रहे हैं, इधर बाहर से मशाल जला के देख रहे हैं कि आप किसी और के साथ तो नहीं हो। बहुत ज़्यादा आपके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की इच्छा हो रही है इनकी, क्योंकि आपके पास आके किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह बिहेव करना चाहते हो, आप ही इनके वर्ल्ड हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक डेट पे बहुत ही ज़्यादा रोमांस करना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ। वो एस ऑफ कप्स फील कर रहे हैं आपके साथ, 3 of Cups रीयूनियन चाहते हैं वो आपके साथ। वो आपको बहुत ही ज़्यादा रोमांटिकली आप में इंटरेस्टेड है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं है तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, लेकिन वो इतना डर चुके हैं गाइस, इतना डर चुके हैं आपके करीब आने के कि वो डेयर भी नहीं करेंगे ऐसी चीज़ करने के लिए, भले ही उनको कितने भी स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए क्यों ना हो। दिस पर्सन इज नॉट रेडी कि भाई मैं जाऊं तो वो रेडी होनी चाहिए मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा ही है इनका, पहले वो पता करेंगे कि आसपास कोई है तो नहीं, फिर ही आपकी तरफ एक्शन लेंगे। तो लेट्स सी कोई चार्म्स अल्फाबेट जो आपके लिए ये रीडिंग रेजोनेट करती है वो बताए। ठीक है, एफ आपके पर्सन के नाम में हो सकता है, ए हो सकता है आपके पर्सन के नाम में, एच हो सकता है, ठीक है, एल हो सकता है आपके आपके पर्सन के नाम में, जे हो सकता है आपके आपके पर्सन के नाम में, बी हो सकता है आपके आपके पर्सन के नाम में, या ओ हो सकता है आपके पर्सन या आपके नाम में। लव आ रहा है यहाँ पे, देखिए गाइज अभी भी डिवाइन मैस्कुलिन को ज़बरदस्ती आपकी अटेंशन सीक करने की ज़रूरत पड़ रही है, बिकॉज वो आपसे प्यार करते हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि ये मुझ पर अब ध्यान नहीं दे रही है, इसके ऊपर मुझे अपना ध्यान लाना ही होगा, लाना ही होगा, बट अभी राइट टाइम नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश सॉन्ग सुन रहे हैं आपके पर्सन, सॉन्ग्स में बहुत ज़्यादा उनका ध्यान है, बट शांति से काम लेना चाहते हैं, आपको अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट रोमांटिकली, आई एम टॉकिंग पॉजिटिवली गाइज, मैं नेगेटिवली नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर। वो आपको 10 of Cups ऑफर करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ काम कर सकते हैं, ये पर्सन आप लोग कहीं सेम करियर के हो सकते हो, वर्क प्लेस के, एक ही वर्क प्लेस में मिले हो सकते हो, ये पर्सन अभी मूंछ रखते होंगे। ठीक है, और ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको समझते कि वो आप ही आपके लिए वही बेस्ट है, ये बहुत बार आ रहा है और आपके पास एक रोज लेके आना चाहते हैं आपको डेट करने के लिए। रोमांटिक मैसेजेस देख लेते हैं एक दो गाइस। आवर वैल्यूज आर क्वाइट डिफरेंट, कैन वी मीट मिडवेज। देखिए गाइस, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन देखते हैं, इसलिए मिडवेज मिलना चाहते हैं। और देखिए, और तो और उसमें कार्ड्स में तो ठीक है, यहाँ पे भी आया है आई वॉन्ट, एवरी टाइम आई सी अ फोटो आई वॉन्ट टू किस योर लिप्स बोल रहे हैं ये पर्सन, तो बहुत ही ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट हो चुके हैं। इट्स सो हार्ड ऑन मी टू डील विद अ सुनामी इन द ओशन ऑफ माई फीलिंग्स। तो उनके जो मैंने कहा ना टावर चल रहा है उनके लाइफ में और उनके इमोशंस में, उनको ऐसा लग रहा है आपसे दूर रह ही नहीं पाएंगे वो। बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा अभी के अभी आप उनको चाहिए। और मज़े की एक बात है, आई वॉन्ट यू टू पनिश मी, यू डोंट पनिश मी सो आई पनिश माई सेल्फ। तो उनको पता है कि ये आपके पास आएंगे तो आप उनको माफ़ करके सब छोड़ छाड़ के आप वापस से नॉर्मल हो जाओगे, तो आपके पास ना आना खुद को पनिश करने का एक तरीका है। तो चलिए गाइज, आज की रीडिंग यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे गाइज कल, तब तक के लिए बाय बाय।